वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप देख रहे हैं देवरुष प्रॉपर्टी ब्लॉग्स। गाइस मैं एक बार फिर हाजिर हो गया हूं आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लॉकडाउन चल रहा था। उम्मीद करता हूं सभी लोग अभी सेफ होंगे अपने घर पे और सभी के फैमिली मेंबर्स भी सेफ होंगे। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज, प्रोजेक्ट का नाम है गृह प्रवेश। ऑलरेडी जो भी प्रॉपर्टीज मैं इस सीरीज में दिखाऊंगा वो सारी रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें आपको आज 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस सारे ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और इनका कमर्शियल भी मैं इस आने वाली सीरीज में कवर करने वाला हूँ। सो एक में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो सारी सीरीज के सारे पार्ट देखिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी तरीके से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको पेंट हाउस, जो कि 4215 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस होगा। अगर प्रोजेक्ट के टोटल लैंड की बात करता हूँ तो करीबन 5 एकड़ का लैंड है एंड अप्रॉक्स 500 यूनिट्स हैं, जिसमें सारा मिक्स है, जैसे आपका 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस। अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर 19 फ्लोर के ऊपर। एक फ्लोर पर 2 पेंट हाउस हैं, 2 लिफ्ट हैं पेंट हाउस के लिए। सो गाइस अगर मैं लोकेलिटी की बात करता हूँ तो लोकेलिटी बहुत ही प्राइम है, सेंट्रल नोएडा की ये लोकेलिटी है। सेक्टर 77 के अंदर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। प्रोजेक्ट का नाम है गृह प्रवेश और ये ऑलरेडी ये 4 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। सारी सोसाइटी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मेट्रो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन है, और भी एक दो मेट्रो स्टेशन है जो एक्वा लाइन के आपके सराउंडिंग में पड़ते हैं विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में। अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में आपके 10-15 बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ मॉल्स हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हर सोसाइटी का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। विद इन द विसिनिटी आप बहुत सारे ATMs हैं, बैंक्स हैं, तो आपको इजीली आप सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो एक्सप्रेसवे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और FNG एक्सप्रेसवे भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। NS24 यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पर है। सो सारी चीज़ें बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। आगे चल के हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या एरिया दिया गया है, कैसे दिया गया है, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या इंक्लूजन है, क्या प्राइस है, तो वीडियो में बने रहिए। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, केवल जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से सिर्फ 10% ही व्यूअर्स हमें फॉलो कर रहे हैं अभी। सो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करना फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी प्रॉपर्टीज़ की जो भी वीडियोज़ हैं वो रेगुलर मिलती रहें। सो गाइस अभी हम खड़े हुए हैं पेंट हाउस के बिल्कुल सामने। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारी 2 लिफ्ट आ जाती हैं, एक ये पेंट हाउस है और एक ये सामने की तरफ पेंट हाउस आ जाता है हमारा, और पीछे भी स्टेयर्स है और सामने की तरफ भी आपकी स्टेयर्स आ जाती हैं। चलिए हम चलते हैं पेंट हाउस की तरफ। तो गाइस हम एंटर कर चुके हैं हमारे 4215 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस के अंदर। एंटर करते ही हमारा फॉयर एरिया आ जाता है। गाइस मैं इसमें डायमेंशन आपको नहीं बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारे डायमेंशन यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये ड्राइंग रूम आ जाता है, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है। पेंट हाउस है तो उसके हिसाब से काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है। यहाँ पर ये जो एरिया है वेंटिलेशन के लिए, आप यहाँ पर एक सेपरेशन करा के बालकनी करा सकते हैं। और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टेरिस आ जाता है। मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ टेरिस का। ये हमारा टेरिस आ जाता है, काफ़ी स्पेशियस टेरिस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गेट टुगेदर आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। और अभी जिन्होंने परचेज किया हुआ है तो उनका ये आपका वो अपना कुछ ऑफिस स्पेस है, कुछ बनवा रहे हैं यहाँ पर, उसी के लिए अरेंजमेंट किया गया है। बाकी आप जैसा चाहते हैं वैसा बनवा सकते हैं, और इस स्पेस को आप ओपन स्पेस भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप गार्डन भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है गार्डन का। यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली लॉन्ज। ये हमारा स्पेशियस फैमिली लॉन्ज आ जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डाइनिंग एरिया भी है आपका, लिविंग एरिया भी है, और यहाँ पर करीबन 8 सीटर सोफा आप लगा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी स्पेस बचेगा और डाइनिंग स्पेस भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो काफ़ी स्पेस अच्छा आ जाता है, देख सकते हैं आप एक बार। उसी के साथ में हमारी किचन आ जाती है, किचन का एरिया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस ये हमारी स्पेशियस किचन आ जाती है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर किचन दिख रहा है, कैबिनेट्स बने दिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको बनाकर दी जाएगी। ग्रेनाइट काउंटर टॉप यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा सिंक यहाँ पर लगाकर दिया जा रहा है, काफी स्पेशियस कैबिनेट है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा आरओ के लिए स्पेस दिया गया है, ये हमारा चिमनी का स्पेस है,
दोनों साइड आपके कैबिनेट्स यहाँ बने मिलेंगे आपको, और दोनों ही साइड आपको ग्रेनाइट काउंटर टॉप यहाँ पर लगा कर दी जाएगी। और ये जो पॉइंट है आपका, ये माइक्रोवेव के लिए आप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में मिल जाती है आपकी 5 फीट वाइड बालकनी। अगर हम बात करते हैं, बालकनी इतनी स्पेशियस है कि आपको वेंटिलेशन का यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाला है। सो गाइस, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, इसका डायमेंशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है एक कबर्ड और एक बालकनी, और साथ ही साथ आपको मिल जाती है एक अटैच वॉशरूम भी, जो कि कॉमन कम अटैच वॉशरूम है, जिसका एक गेट यहाँ पर भी खुलता है। तो यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं बाकी बेडरूम्स का क्या साइज है। फर्स्ट बेडरूम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पैसेज एरिया आ जाता है दूसरे बेडरूम्स के लिए, जो हमारा बीच में रहता है सेपरेशन प्राइवेसी के लिए। और उसी के साथ में हमारा ये सेकंड बेडरूम आ जाता है, मैं आपको एक बार एरिया दिखा देता हूँ। बेड के अंदर अगर आप देख रहे होंगे काफी स्पेस है, पहले बेडरूम से थोड़ा बड़ा है ये। और इसी के साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक ड्रेसिंग एरिया विद अटैच वॉशरूम। ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, बट हाँ ये काफी अच्छा है। डायमेंशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कवर्ड इस रूम में भी आपको दिया गया है, और सभी रूम में फॉल सीलिंग कराकर दी जाएगी। साथ में इसकी भी बालकनी आ जाती है हमारी, ये काफी अच्छी बात है कि सभी रूम्स के साथ बालकनी तो दी गई है, और अटैच वॉशरूम भी मिल जाते हैं। और इस रूम के साथ भी आप देखेंगे कि ये हमारा अटैच वॉशरूम है और ये हमारी बालकनी आ जाती है। चलिए यहाँ से चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये हमारा फोर्थ बेडरूम आ जाता है, ये भी काफी स्पेशियस बेडरूम है, जो हमारा एक दो बेडरूम यहाँ पर थोड़े बड़े साइज के हैं, दो थोड़े मीडियम साइज के हैं उससे। और इसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स मिल जाती है। सभी वॉशरूम में सारे ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलेंगे, जगुआर और इक्विवेलेंट। और साथ में हमारे आ जाती है बालकनी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सभी रूम्स के साथ बालकनी मिल जाती है यहाँ पर। बालकनी से आप सोसाइटी का व्यू देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर व्यू आ जाता है। ये सामने की तरफ सारी सोसाइटी के टावर्स हैं, नीचे की तरफ आपको जॉगिंग ट्रैक भी देखने को मिलेगा, नीचे आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा है, जो भी बंद है कोविड के चक्कर में। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये पेंट हाउस पसंद आया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास और भी कुछ पेंट हाउस हैं, जो आपका 1 CR ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका मैक्सिमम 6 to 7 CR तक आपका पेंट हाउस हमारे पास मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ, जो इस वीडियो में आपने देखा है, ये 2.5 CR का यूनिट है, और आपको बता देता हूँ ओनली 4 पेंट हाउस यूनिट अवेलेबल हैं, रेडी टू मूव कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, सारे ही बैंक से यहाँ पर लोन अप्रूव है, जिस बैंक से आप चाहते हैं उस बैंक से आप लोन करा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, और हाथों हाथ आप रजिस्ट्री करा के यहाँ पर रह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ कि ये करीबन 3 करोड़ का पेंट हाउस है, स्टॉक क्लियरेंस की वजह से आपको 2.5 CR में अभी इसकी कॉस्ट पड़ रही है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और मुझे काफ़ी सपोर्ट चाहिए आप लोगों से सब्सक्रिप्शन के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। सो बने रहिए आप सेकेंड पार्ट के लिए, अगली वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट दिखाऊंगा, सेम प्रोजेक्ट का कोई और यूनिट होगा और कुछ और कॉन्सेप्ट होगा। तो अब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।